भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय आह्वान पर 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक पोस्टर, सेमिनार, नुक्कड़ सभा आदि के माध्यम से चेतावनी सप्ताह मनाया गया और सरकार को जगाने का प्रयास किया गया, जिसके चलते आज मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ संपूर्ण जिला स्तर पर प्रदर्शन कर माननीय जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया और कहा कि निजीकरण का प्रवेश बंद करें और संवेदनशील उद्योग स्थायी इकाई में कुशल कर्मी नियुक्त कर आउटसोर्सिंग ठेका कर्मियों को न लें। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण मांग ये भी रही कि एक वेतन सेवा शर्तों को लागू किया जाए। भारतीय मजदूर संघ के समर्थन में वो राष्ट्रीय भारतीय मजदूर और केंद्र सरकार के विरोध में हम लोगों ने श्रम विरोधी नीतियां जो अपनाई है उनके विरोध में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। उसमें हाट ठेला यूनियन, मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ और मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ और पश्चिम क्षेत्र रेलवे, इन लोगों ने मिलकर सभी ने संयुक्त रूप से ज्ञापन प्रेषित किया है कलेक्टर साहब के द्वारा।